सर स्पीकिंग ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर्स अस हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं लोग प्रेफर करते हैं कि बाहर जाके ट्रीटमेंट करवाएं ना कि यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं सर जम्मू का हेल्थ केयर सेक्टर इतना डिटोरेटिंग क्यों है जम्मू का हेल्थ केयर सेक्टर में जब uh, बात करूँगा तो हमारा प्रीडोमेटली यहाँ पे गोवेंट सेक्टर है हुँ. तो uh, मैं इसको धीरे uh, क्रिटिकली आपको सारा बता दूंगा कि आर गवर्नमेंट सेक्टर इज़ नॉट दैट बैड अगर आप एडजॉइनिंग पंजाब में जाएंगे hmm. आप मुझे एक हॉस्पिटल सरकारी गिना दीजिए hmm. जिसको आप बोलोगे कि वहाँ का अच्छा हॉस्पिटल है नहीं है तो हमारा क्योंकि हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं हम कंपेयर करते हैं यहाँ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को वहाँ के प्राइवेट इंस्टीट्यूट से यहाँ से जीएमसी जम्मू से पेशेंट कहाँ जाता है दे आर नॉट गॉड बोड ऑफ पॉजकास्ट आज का एपिसोड हम एक डॉक्टर के साथ करने वाले हैं ही इज नोन टू बी दोन डॉक्टर ऑफ जे एंड के उनका नाम है डॉक्टर विकास पाधा आज के एपिसोड में हमने उनसे मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल सिनारियो जे एंड के बारे में बात की है Uh, क्या प्रोज एंड कॉन्स है मेडिकल सेक्टर में जम्मू एंड कश्मीर में उसके बारे में बात की है क्यों ज़्यादातर लोग uh, अपना इलाज करवाना बाहर प्रेफर करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से नहीं uh, हमने इन सब के बारे में बात की है uh, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू तो सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्ट हेलो एवरीवन वेलकम वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हमारे साथ हैं और वो आज के गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं उनका नाम है डॉक्टर विकास पादा हेलो सर हेलो हाउ आर यू आई एम फाइन सर आपके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तनवी फॉर दिस ऑनर एंड दिस इज रियली योर योर कमांडेबल जॉब एंड दिस पॉडकास्ट

अरली डिग्री तो आ, मैं बेसिकली जम्मू का एक आ, एरिया है बसोली के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आ, वो मेरा बर्थ प्लेस है वहीं को बिलोंग करता हूँ और वहाँ बसोली एज़ यू नो कि एक जिसको बसोली पेंटिंग्स के लिए रामलीला के लिए एक हेरिटेज काउन कह लो तो so, वो एक अलग से एक स्टेट हुआ करती थे टाइम और वहाँ के जो राजा वो देखने वाले जो फिजिशियंस होते थे ओके वो हमारी फैमिली थी तो मेरे परदादा मेरे दादाजी तो इनफेक्ट नहीं थे इस लाइन में उनके कजन्स वो काफी फेमस वैद रही और जो उन, उनके उन वो राजवैद उनके रॉयल फिजिश थे तो वो आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर्स थे okay. तो मैं उस फैमिली से आई वॉज द फर्स्ट वन जो कि एलोपैथी में आया oh. हूँ प्लस माई ग्रैंड फादर वैट तो थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था शुरू में hmm. तो मेरा जो बर्थ बसोली में हुआ लेकिन जो शुरू का जो चाइल्ड हुड है hmm. वो आ, अपने नाम सुना होगा एक बड्डू बिलावर आटन बड्डू सिंस मेरे पेरेंट्स आ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में से रिटायर हुए मदर हेड मास्टर रिटायर हुए फादर सीनियर लेक्चरर तो उस दौरान उनकी पोस्टिंग वहाँ पे की okay. जब मेरी अर्ली चाइल्ड hmm. तो हुई तो वो प्री स्कूल मेरा में हुआ है उसके बाद ट्रांसफर टू महानपुर करके एक जगह जी 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 जी, 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 जी सीन हाँ। तो वहाँ मेरा जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ मेरी स्कूलिंग शुरू हुई थी और उसके बाद हम फर्दर जैसे पेरेंट्स की ट्रांसफर हुई फिर हम बसोली आ गए तो बसोली में मैं आई स्टडीड स्टैंडर्ड वहाँ पे नेताजी मेमोरियल शिक्षा केंद्र स्कूल करके वहाँ एजुकेशन हुई बीच में एक साल के लिए आप जवाहर नवोदय विद्यालय करके आ, एक स्कूल खुले थे तो उसका फर्स्ट जब एंट्रेंस हुआ था एट क्वालिफाइड दैट और मैं वहाँ सेलेक्ट हुआ और एक साल के लिए मैं वहाँ पढ़ा क्योंकि उसका जो एडनिंग स्कूल था वहाँ पर मेरे फादर होते थे होस्टेड Okay. तो वो बोर्डिंग स्कूल था mm -hmm. तो वो आ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मुझे मतलब सामने फादर तो बोलते ही नहीं मिलना mm -hmm. तो मैं जिद्दी किस्म को आता था तब तो मुझे कुछ छुआना जमा नहीं तो एक mm -hmm. साल के बाद आई लेफ्ट तो देन आई केम बैक टू माय ओरिजिनल स्कूल और उसके बाद वी शिफ्टेड टू कठुआ कठुआ में आर एस जागृति निकेतन एक स्कूल है hmm. और काफ़ी पोजिशन आती थी वहाँ से okay. तो आई गॉट एडमिशन देयर फ्रॉम एट टू स्टैंडर्ड आई ट पार्ट ऑफ आर एस जागृति निकेतन स्कूल तो जे एंड के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में थे हम आ, उसी में पढ़े हैं और टेंथ स्टैंडर्ड में आई गॉट मेरिट पोजिशन तो मेरे स्कूल का एक ही पोजिशन आया था तब तो आई वॉज इन लिस्ट तो देर आफ्टर जब एलेवंथ का <laughs> बात आई क्योंकि हमारे आगे जब हमारा टाइम था जब हम बच्चे होते थे टेंथ <laughs> इलेवेंथ के टाइम तो हमारे पास यही होता था ऑप्शन कि मेडिकल है तो डॉक्टर बनना <laughs> है नॉन मेडिकल है <laughs> तो इंजीनियर बनना है तो माई ग्रैंड फादर उनको थोड़ा था कि ये पढ़ने में अच्छा है पोजीशन आई है और uh, uh, हमारी फैमिली में ने एलोपैथी में कोई नहीं था, था oh. तो हमको था कि इसको मेडिकल रखवाइए हालाँकि आई वॉज गुड इन मैथेमेटिक्स मेरे स्कूल वाले चाहते थे मैं नॉन मेडिकल लूँगा क्योंकि था कि नॉन मेडिकल लेगा तो आगे भी पोजिशन लेगा okay. तो बट ऑन इंसिस्टेंस ऑफ माय ग्रैंडफादर आई मेडिकल और देन आई स्टडीड मेडिकल और अनफॉर्चुनेटली uh, जब आई वाज इन इलेवेंड माई ग्रैंड फादर पास्ट अवे गए तो इट वाज हिज ड्रीम कि मुझे मेडिकल लाइन में देखना चाहते थे And in 1994, uh, 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 I appeared in pre-medical tests in Jammu-Kashmir. And by uh, uh, his blessings, by the it was my grandfather's blessings, I secured 1st rank until that PMT. And I entered Government Medical College Jammu. So I did my MBBS from Government Medical College Jammu. And uh, thereafter, uh, uh, फाइनल uh, ईयर के करीब था uh, तो एक मूड बना था जैसे आजकल भी ट्रेंड है कि मेडिकल uh, छोड़ के तो आई एस करते हैं और करते हैं तो वो नहीं चलता था मेरा तब मुझे ना कुछ ऐसा बड़ा कोई इंटरेस्ट आता नहीं था पढ़ते तो थे पढ़ाई की यूजुअली होता ही अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर तो कुछ गाइडेंस वगैरह इतनी होती नहीं है तो जब आ, बात होती थी कि जैसे हम आम भाषा बोलते हैं सीट निकालनी है सीट निकालनी तो मुझे लगता था कि मेडिकल कॉलेज में जाते होंगे कि शायद ऑडिटोरियम में बिठाते वहाँ सीट दे देते हैं उसके बाद डॉक्टर बन जाते हैं नहीं। नहीं। तो मैं जैसे एंटर हुआ तो यहाँ फैमिली से था नहीं कोई डॉक्टर तो मुझे लगता था अभी बस अब स्टेथ दे देंगे बोलेंगे ये लो पेशेंट देखो तब तो देंगे तो यहाँ आया तो फर्स्ट प्रोफेशनल होता अगर तीन चार प्रोफेशनल होते हैं तो बोलते जी ये चार सब्जेक्ट हैं इनकी दस किताबें हैं पहले ये पढ़नी है है hmm. ना एक बार मतलब अंदर कूद गए जब हम फिर उसके बाद सेकंड प्रोफेशनल है इसके अपने सब्जेक्ट्स हैं इसकी अपनी किताबें hmm. ये पढ़नी है फिर फाइन प्री साइज और फाइनल मैं ये तो कुछ समझ भी <laughs> ये तो भी धोखा हो गया मुझे लगा भी सीट वीट में बिठा दिया अब निकले और डॉक्टर बन गए तो वो काफ़ी इट वॉज वेरी स्टूडियस जॉब जो होता है कि काफ़ी वर्क तो खैर करते ही हैं सारे तो फाइनल uh, तक आते आते मुझे लगा कि इतना तो सारी ऊपर पढ़ना पड़ेगा ये कुछ ठीक नहीं जम नहीं रहा तो उसमें बट आफ्टर माई फाइनल जब इंटर्नशिप कर रहा था तो जब मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारी पोस्टिंग होती है फर्स्ट टाइम हमें जो एक एक्सपीरियंस बनता है क्लिनिकल एज ए स्टूडेंट क्लासेस होती हैं बट हमें एज काम करने का मौका वो फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप में मिलता है तो हमें हर डिपार्टमेंट की रोटेशन होती है उसमें तो उसमें वेन आई एंटर्ड ऑर्थोपेडिक्स तो उसमें मुझे कुछ ना अपना एक वो लगा कि ये कुछ ना ऐसे टिपिकल मेडिकल ब्रांच नहीं है कुछ इंजीनियरिंग टाइप लग रहा है कुछ ऐसा कारपेंट्री ये कुछ ऐसे करके हड्डी टूटी है इसको छोड़ो इसको ऐसे करो वैसे करो उससे मुझे इंटरेस्ट आ गया कुछ hmm. तो मैं छोड़ू आई एस वाई मेडिकल और उसमें ये भी मुझे लगा सरकार ने मेरे पे कहते हैं कि एक मेडिकल सीट पे करोड़ से ऊपर का खर्चा अब कहीं मतलब एक डॉक्टर को बनाने में आता okay. तो मैं इतना में खर्चा करा के अगर वो सीट छोड़ूंगा मैं नहीं इसी में स्टिक करेंगे देन आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस पोस्ट ग्रेजुएट दिस एंट्रेंस और आई रिमेम्बर की फर्स्ट टाइम मुझे ऑर्थोपेडिक्स नहीं मिला था उसमें uh, से मेहनत करके तो आई वॉज द फर्स्ट टू पिक आर्थोपेडिक्स एन जी एंड के जो अलॉट हुई थी द फर्स्ट वन उस ब्रांच में ब्रांच ऑफ माई चॉइस तो उसमें आके देन आई डिमी एन एस ऑर्थोपेडिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज

तो मैंने एक दो बार इंटरव्यू दिया था तो सिलेक्ट किया नहीं क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में इंटरव्यू हो गए तो वो इंटरव्यू वालों को बहाना चाहिए और तीन साल एम करोगे तो नौकरी क्यों करोगे तो वो उसके बाद निकली थी पोस्टे तो देन आई हैड टू लीव जम्मू क्योंकि यहाँ पे uh, चांस नहीं था हमें आगे फर्दर सीनियर रेजिडेंसी करने का तो आई गॉट सीनियर रेजिडेंसी एट इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला अमिमा फिल्स Okay. so mm -hmm. i started i knew that to be so when i appeared entrance hota tha the interview so final uh, year i got married also my wife is a gynecologist oh. so you both appeared there okay. so hum dono uh, we both got selected mm -hmm. So, senior residency and as i finished my senior residency I was medical specialist तो आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू पेयर इन द इंटरव्यू इंटरव्यूर इन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कंसल्टेंट्स होते हैं उनको बी ग्रेड उस टाइम बोले जाता था बी ग्रेड स्पेश आजकल कंसल्टेंट्स बोलते हैं उस पोस्ट के लिए आई एंड माई वाइफ बहुत अपेयर दोनों सेलेक्ट हो गए देन आई हैं जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट एलेवन और कोई लगभग मेरा जो फर्स्ट पोस्टिंग हुआ तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट था उनसे कि मैं मेडिकल कॉलेज में सर्जरी सीखे और अच्छा काम करके आया तो लेट मी वर्कस्ट माई पीपल तो वो भी इंटरेस्टिंग ही यहाँ पे अलग ही क्राइटेरिया होते हैं तो आई गॉट माई फर्स्ट पोस्टिंग जब मुझे ऑर्डर मिला तो दे पोस्टेड मी एट गगोवाल करके एंड दैट वॉज उधर जो ऑर्डर आया एमरजेंसी हॉस्पिटल घगवाल और वो एमरजेंसी हॉस्पिटल

ट्रांसफर टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कठ वहाँ पोस्ट था तो मुझे वहाँ ट्रांसफर अंदर दिया गया आई वर्क डेट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कठुआ और काफ़ी uh, लोगों का कोपरेशन आई वॉज वर्किंग में होम टाउन तो काफ़ी अच्छे से काम किया सब बढ़िया चल रहा था अच्छा चल रहा था mm -hmm. तो वन फाइन मॉर्निंग मुझे mm -hmm. यूज चढ़ रही थी जस्ट पेस आई थिंक आठ नौ महीने मुझे ज्वाइन किया हुए थे कठुआ

जो काम करता हूँ जो सीखा है वो बोलूना बिकॉज सर्जन को अगर हाथ नहीं चलेगा तो सर्जन अपना आर्ट भूल जाएगा। तो सम नहीं हुआ तो आई फाइनली डिसाइडेड आई टू लीव द जॉब क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था या मैं जॉब करता या मैं ऑर्थोपेडिक करता तो आई सर्जरी माचल जहाँ से पहले करके आया था okay. तो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है कांगड़ा में mm -hmm. तो आई गॉट अपॉर्चुनिटी आई एंड माई वाइफ बोथ अपॉर्चुनिटी टू वर्क असिस्टेंट प्रोफेसर बट बट देट वोट पोस्ट वॉज अक्चुअलिटी वहाँ मैंने कोई ढाई साल काम किया एंड आई डिस अपरचुनिटीट हॉस्पिटल जेपी ग्रुप का आलमपुर में mm -hmm. Mm. तो वहां से मुझे ऑफर मिला तो क्योंकि हम कंट्रेक्चुअल सरकारी बहुत हो गया आई शुड मूव टू कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर एंड देन आई स्विच टू प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट एंड आई वर्क देयर टिल 2017 कोई जुलाई uh, तक काम किया एंड uh, तब तक यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कमीशन हो चुका था Please. तो वहाँ मुझे एक बार एक मैसेज मिला इंटरेस्टेड टू वर्क इन योर होम होम स्टेटम तो मुझे आ, आ मैं आलमपुर सेट चला जाऊँगा तो मैंने वाइफ को यही बोला मैं शायद ना माता का बुला हुआ तो

जी रेट्रिक्रुप होता है वेरी ओल्ड एज <laughs> तो उनकी सर्जरीज में करना पसंद करता हूँ देट इज़ वेरी चैलेंजिंग फील्ड मुश्किल होता है उनको करना और क्योंकि ये हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड है यहाँ पे हमारे पास सारी फैसिलिटीज <laughs> हैं एक चैलेंज लगता है कि ऐसे केसेस करना जो बाकी <laughs> लोग ना करते हो जिनके लिए बाहर भेजा जाता <laughs> ना पेशेंट्स को भी आप जम्मू से बाहर जाइए आई <laughs> टेक अप केसेस और माय ब्लेसिंग्स ब्लैसिंग माता वैष्णो देवी Uh, अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं और उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहीं पे श्री माता वैष्णो देवी नैशनलिटी हॉस्पिटल में टू थाउजेंड में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी हमारे मेरे वाइफ की बैचमेट थी गायनापोलॉजिस्ट थी है तो उनकी दादी जी शी वॉज हंड्रेड फोर ईयर्स उन्होंने okay. कंटेक्ट किया उन्हें हिप का फ्रैक्चर हुआ तो वी आर डिसाइडेड टू गो आउटसाइड तो मैंने उनको बोला एक और हमारा हॉस्पिटल देख लीजिए एंड जस्ट मीट मी

तो एक हंड्रेड okay. नाइनटीन के एज mm. के जो कि हम थिंक जी से इसका कोई पेशेंट होगा ही गॉट एडमिटेड विद लेग फ्रैक्चर ओके तो वो सतवारी के थे mm. तो उनका एक सर्जरी हमने किया और करने के बाद वैन आई सर्च mm. तो वो, वो मैंने सर्च करने के बाद पता कि ये दि, दि, दिट वॉज ए वर्ल्ड रिकॉर्ड mm. तो इतनी ओल्ड एज में दुनिया में कहीं सर्जरी नहीं हुई हुई थी तो उसके बाद इट वॉज वीज मीडिया में भी आया था बट उसके बाद कोविड आ गया तो कोविड में नीदर वी गुड रजिस्टर सारा प्रोसेस ऐसे ही रह गया तो दैट वॉज अनादर अचीवमेंट इसके अलावा आई एम डूइंग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्विस वो भी मोस्टली ओल्ड एज ग्रुप में आती हैं उस पर टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज ये रोटीन नहीं हम कर रहे हैं क्योंकि इन सर्जरीज के लिए लोग जम्मू से, से बाहर जाते फिर जमे कश्मीर से बाहर जाते ये करवानी है तो दिल्ली जाके करवाएंगे या पंजाब जाके करवाएंगे या चंडीगढ़ जाके करवाएंगे तो आ, मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि पिछले छः साल से रूटीनली हम ये सब कुछ कर रहे हैं और बहुत से लोग जो सोचते थे कि हम बाहर ट्रीटमेंट कराएंगे घर के पास अब ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उनके बहुत प्यार सपोर्ट और बहुत कोऑपरेशन और शाबाशी मिलती है अच्छा लगता ग्रेट सर आपकी अचीवमेंट्स आन के पता नहीं मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है सर um, uh, मुझे ये जानना था जैसे अब हम हमने सुना है कि डॉक्टर्स बिलीव इन साइंस नॉट मेरेकल्स या गॉड uh, में बिलीव नहीं करते हैं आपका कर इसके बारे में क्या देखिए साइंस बाय डेफिनेशन क्या होती है साइंस इज नॉलेज गेंड बाय मैन काइंड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ठीक है तो एक नॉलेज हम गेन करते हैं किसी कंटेक्स्ट में जैसे मैं एक अगर साइंटिस्ट हूँ केमिस्ट हूँ तो मैं केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करूँगा केमिस्ट्री के नॉलेज गेन करूँगा मैं अगर फिजिसिस्ट हूँ तो मैं फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स करूँगा और फिजिक्स का नॉलेज गेन करूँगा अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं मेडिकल फील्ड का ह्यूमन बॉडी का नॉलेज जैसे हमने और किया एम बी बी एस में एम एस में तो उनको मैं आगे पर, आ, अप्लाई करूँगा दिस इज वॉट इज साइंस तो द कंसेप्ट ऑफ स्परिचुअलिटी गॉड एंड साइंस दे आर नॉट कंट्रीब्यूट इच ये कंटेक्ट अलग हैं yeah. अगर हम आ, उसी अप्रोच को दूसरे तरीके से देखें उसको वाइडन करके देखें ना तो मैं, मेरी नज़र में साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है आई कंसीडर स्पिरिचुअलिटी एज ए वेरी वाइड वर्जन ऑफ साइंस साइंस को हम ना साइंस बोल के उसको बहुत टिबुलर कर देते हैं छोटा कर देते हैं अनट तो आ, अगर आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे स्पिरिचुअल रनन जाके आप चीजों को देखेंगे उन पे एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज़ बाय डेफिनेशन साइंस मैंने बताया कि नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट अगर आप स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन करेंगे स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करेंगे तो दैट इज आल्सो अ साइंस तो मेरे नजर में वो अलग नहीं है हां ये जो हम अंधविश्वास या ज, जिसको वर्ड आप देखिए इतनी बड़ी दुनिया चल रही है हर चीज सिस्टमेटिक mm -hmm. बॉडी को देख लीजिए अगर किसी ने बनाई है एक एक सेल एक एक सिस्टम mm -hmm. हार्ट देख लीजिए आप अमेज हो जाएंगे बोन का देख लीजिए बोन कैसे एक एक ऑर्गन में गाऊ इतना सिस्टमेटिक बना हुआ है तो ये जो चल रहा है सिस्टम ये मेराकल से कम नहीं है ये नॉर्मल दिन रात हो रहे हैं मौसम चेंज हो रहे मेरा किस कितना आपको पता है इस महीने आपको पता है बरसात आ जानी है फिर आपको पता है अक्टूबर नवंबर के बाद हमने स्वेटर हैं तो ये सब चेंजेस आ रही हैं ये एक सिस्टम चल रहा है तो मेरी नज़र में दिस इज नॉट नथिंग लेस देन लेकिन ये अंधविश्वास एंड ऑल दैट दैट इज डिफरेंट थिंग वो एक अब है नॉलेज mm. का या उसको एक गलत तरीके से अपने इन्वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आप अगर उसको यूज करते mm. हैं तो दैट इज नज़ फार एज माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न आई फॉर्मली बिलीव दैट ये जो दुनिया बनी है दुनिया चल रही इतनी सिस्टमेटिक है हर चीज तो इज समथिंग बियॉन्ड की जो इसको चलाती है है ना जिसको आप गॉड बोल लो नेचर बोल बोल लो लो ये ऐसे नहीं है अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ आप इस दुनिया में आए हैं कोई और आया है तो उनका एक पर्पज है उनका एक पर्पज है उसी तरह जैसे एक बिल्डिंग में एक एक ईंट होती है आप हर ईंट की इंपॉर्टेंस है हर एक का रोल है बेसमेंट का अलग रोल होगा नींद का अलग रोल होगा वैसे मुझे आई बिलीव कि हर इंसान का हर जीव का इस यूनिवर्स में अपना एक रोल है और वो असाइन किया गया है, एंड वी आर जस्ट डूइंग अगर मैं आया हूँ तो आ, मुझे ऐसे सबको मिले आ, मैंने जो भी एग्जाम्स क्वालिफाई किए जो भी काम किए तो वो एक पर्पज़ के लिए है कि मुझे कुछ लोगों की सपोर्ट मिली कहीं पे आई क्रैप द एग्जाम तो जिसको हम कहूँ की लक थी या चीज़ें मिली तो वो एक सर्कमस्टानसिस बनते बनते जो मैं हूँ आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई सरकमस्टांसिस यू आर द प्रोडक्ट ऑफ यूर सरकमस्टांसिस कहीं हमें सक्सेस मिलती है कहीं फेलियर मिलता है तो एज फार एज माई पर्सनल लेवल इज कंसर्न आई एट्रीब्यूट दिस टू समर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है आज से नहीं चल रहा मैं पैदा हुआ उससे पहले से चल रहा है मैं जब नहीं रहूंगा तब भी चलेगा मैक्सिमम mm. mm -hmm. तो यूटिलाईज करना बेस्ट बेनिफिट के लिए इस दुनिया को अच्छा करने के लिए mm -hmm. अब मैं मेडिकल फील्ड में हूँ तो आई सी लॉट ऑफ डिजीजे अब मैं जब हॉस्पिटल जब हमें mm. लगता है ना कि हम दुनिया बहुत दुखी है हमें हमारा हम आ, जो एक आ जाता है कि ये अच्छा है हमसे ये बेटर है आई थिंक यू यू मस्ट विजिट हॉस्पिटल वंस आप किडनी वाले वार्ड में जाएंगे उसको यही खुशी मिलती है मेरा क्रिट्रेन आज दो से नीचे है ठीक है आप आ, हार्ट वाले में जाएंगे वो इसी में खुश है कि मेरा हार्ट का फंक्शन साठ परसेंट से मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा है ना मेरे ब्लॉकेज नहीं है तो so, बॉन्स uh, वाले में जाओगे तो आप बोलोगे हम uh, जो कि मेरी हड्डी जुड़ जाए जिसका फ्रैक्चर है सो hmm. so, कितना हम हम अगर हेल्दी हैं वी hmm. आर ब्लेस्ड तो hmm. so, uh, मैं ये कहता हूँ कि uh, ये जो सारा सिस्टम है जो बना है ये किसी न किसी एक फोर्स के द्वारा बना हुआ है चल रहा है एंड आई इज पार्ट ऑफ दिस सिस्टम हम अलग लग, हम अलग हम मतलब छोटी छोटी चीजों को देख के हम वो बोलते हैं ये साइंटिस्ट भगवान को नहीं मानते भगवान बोल दो सुपर नेचुरल बट देर इज समिंग बिटी जो हमारे से भी ऊपर है तो हमें गाइड करती है और एक गुड फेथ मैंने इतना बोलू कि एक वेवर मैं सर्जन हूँ तो जब हम काम करते हैं सर्जरी करते हैं तो वी ऑलवेज प्रे कि क्योंकि तो हाथ हमारे चलते हैं तो आई से करवाता परमात्मा है तो वी हैव टू डू आर बेस्ट और जो हमारी इंटेंशन साफ होनी चाहिए और एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक like, भगवत गीता में भी जैसे लिखा है कि हम जो अपना कर्म करते हैं कर्तव्य कर्म करते हैं मेरा है एज ए सर्जन सर्जरी mm -hmm. तो मैं इस मीडियम से भी आई कैन रीच ऑल और दिस इज माई मीटिंग अब मैं अपने पेशेंट को देख रहा हूँ तो दिस इज नॉट जस्ट कि आई एम डूइंग इट फॉर मनी मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ बट आई एम इसको यूज करना चाहूँ आई कैन डू इट

फोर्स दैट इज ड्राइविंग एवरीथिंग थिंग सन राइज हो रहा है सनसेट हो रहा है तो ये कुछ ना कुछ सिस्टम तो 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 चल रहा है hmm. अपने आप तो आप चलता नहीं अब मोबाइल फोन बनाए आपने तो आज से जब हम मेरा बचपन था तब तो, तो रेडियो होते थे फिर टीवी आए ब्लैक एंड वाइट टीवी देखा है एंटेना हमने घुमाया हुआ है ये पाकिस्तान का सिग्नल आ रहा है यहाँ का सिग्नल है हमने एवोल्यूशन देखा है साइंस hmm. का तो अब हमारी जो पुरानी कहानी है जस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ साइंटिस्ट और हम तो अगर आ, 1980 से पहले हम बोलते जैसे हमारी पुरानी कहानियों में आता है कि आ, जो आ, एक टैलीपैथी होती है या मैसेज यहाँ से अमेरिका पहुंच जाता है तो वो हमारे ऋषि ने डिस्क्राइब किया हुआ है कैसे होता था मन की गति से घूमते थे ऋषि तो अगर आप बोलोगे की हमारे यहाँ तो पुष्प विमान होते क्या बकवास कर रहे हैं लेकिन आज की डेट में देखिये मोबाइल से आप यहाँ टाइप करते हैं यूएस में आपका फ्रेंड व्हाट्सएप चैट करते हो व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो तो ये दुनिया में ही था ना ये जस्ट डिस्कवर की गई चीजें तो ये एवोल्यूशन है तो आई डोंट सी इट साइंटिस्ट जो बोलते हैं यस दे आर गुड पीपल वो मेहनती लोग होते हैं बट एक ही फील्ड नहीं है स्टूडेंट यू कम्बाइन एवरी जब आप एक दूसरे अपना वाइडन करेंगे अपना व्यू और स्प्रिचुअलिटी uh, और इसमें आपको अलग सा माइंडसेट चाहिए एक केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट का अलग माइंड सेट हो फिजिक्स का अलग है बायोलॉजी का अलग है स्पिरिचुअलिटी का अलग है अगर मैं यहाँ अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ और मैं जैसे आयुर्वेदा और उसका भी चलता है अब जब ये ये भी बड़ी बार डिबेट्स होती है कि ये अच्छा भी हुआ अच्छा अब मैं हूँ कि मेरे जो हैं है आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स मैं एलोपैथी में हूँ एंड फ्रेंकली स्पीकिंग जो मैंने ये ब्रांच चूज करी माई ब्रांच इज नॉट अगेंस्ट आयुर्वेद आयुर्वेद हमारी अलग ब्रांच है <laughs> उसमें ऐसी कोई कंफ्लिक इंटरेस्ट भी नहीं बट एज एलोपैथिक प्रैक्टिशनर मैं आयुर्वेदा पे कमेंट करना शुरू कर दूं क्योंकि जिसका ना मैंने पढ़ा hmm. ना मैंने उसको कभी प्रैक्टिस किया ऐसा कि yeah. है ये वैसा है hmm. आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी एलोपैथी का प्रैक्टिस अगर किया है तो ठीक है नहीं किया है तो फिर बोले डेट इज नॉट गुड ऐसे ही जो स्परिचुअल लोग हैं जो उनकी प्रैक्टिस हैं और जो साइंटिस्ट है जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को ना स्टडी किया ना उस बेंट ऑफ माइंड के साथ चीजों को एनालाइज किया तो अगर वो सीधा सीधा भी ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं दिस इज नॉट साइंस साइंस को आप वही बोलोगे अगर किसी ने उसको आजमाया उसको ऑब्जर्व किया फिर निगेट किया दिस डिफरेंट थिंग लेकिन ये कंट्ररी नहीं ओके ओके सर आम आदमी तो सर्जरी वार्ड में जाएगा नहीं हमने कभी नहीं देखा हमने तो सिर्फ मूवीज में देखा है कैसा माहौल होता है वहां पे सर्जरी जब Uh, एक पेशेंट आपके सामने है एंड ही इज क्रिटिकल और शी इज क्रिटिकल तो क्या माइंडसेट रहता है देखिए जो uh, मेरी ब्रांच है जैसे फ्रैक्चर्स के केसेस आते हैं तो एक तो सडन होता है ऐसा अ, अब मैं चल रहा हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ एक्सीडेंट हो रहा है, so suddenly, है. तो uh, हमारे पास पेशेंट आता तो फर्स्ट ऑल दे आर इन शॉक कि <laughs> क्या हो गया hmm. ना ये हो गया अब हम कभी चल पाएंगे okay. इमेज़ी इमेज़ी नहीं दे आर एप्रिहेंसिव है ना ऊपर से आजकल हॉस्पिटल की इमेजेस भी ऐसी नहीं ऐसी पता नहीं ये क्या कर देंगे कौन से दरिदे बैठे हुए पैसे कमाने वाले लुटेरे बैठे दिस इज वॉटर आज कल कमर्शलाइजेशन वही सब फार अवे फ्रॉम रियालिटी तो मैं जब जब भी पर्सनली जब मैंने इनकाउंटर है पेशेंट जिसको फ्रैक्चर हुआ है तो आई फर्स्ट टेल इन काम डो है मैं सबसे पहले आप होश में हो आप बात कर रहे हो आपकी जान बच गई वह आपकी जान बची फर्स्ट यू शुड भी थैंकफुल टू ऑल जान बची है बिल्कुल बाकी मैं आपको सिर में भी लग सकती थी पेट में लग सकती थी

जल्दी से जल्दी यू गेट ओवर दैट एंड वी आर विथ यू तो उनको एक सपोर्ट सिस्टम जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो ये शॉक का ही होता है डरे होते हैं खर्चा कितना हो जाएगा ऐसा फिर hmm. वो सारा मतलब और हमें ट्रीटमेंट के साथ साथ आई थिंक उनको रि एश्योर करना इक्वली इंपॉर्टेंट है उनके साथ कॉम्युनिकेशन रखना इक्वली इंपॉर्टेंट hmm. आप जब सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है जैसे मोस्टली फ्रैक्चर्स आजकल पुराना ज़माना हमारा भी ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट काफ़ी इवॉल्व हुआ है पहले प्लास्टर्स ही देखते थे अब तो अब ऑपरेट किए जाते हैं मोस्टली क्योंकि सब जल्दी रिकवर होना चाहते हैं प्लास्टर का झंझट नहीं चाहते नहीं। नहीं। तो मोस्टली सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है फ्रैक्चर्स में तो उनको हम वी पोस्ट दें फॉर सर्जरी तो उसमें पूरे टेस्ट वगैरह करना पड़ता है प्री एनेस्थेटिक सर्जरी इज़ नॉट जस्ट वन मैन जॉब तो हमारी दो टीम्स होती हैं एक सर्जन की टीम होती है जहाँ एक सर्जन होता है और उसके असिस्टेंट्स होते हैं शेडो जो साथी होता जिसको है जिसको एनस्टि बोलते हैं जो बेहोशी वाला डॉक्टर बोलते हैं <laughs> तो वो सामने नहीं आते हैं दे hmm. आर बिहाइंड तो उन्होंने एनस्टि देना होता है hmm. और वो एनस्टिजा देते हैं वीडू सर hmm. और जो ऑपरेशन थिएटर के मालिक ही होते हैं वो तो वो अगर हरी झंडी देंगे तो सर्जरी होगी नहीं देंगे तो नहीं होगी वेरी बिग रोल वो एक कॉम्पिटेंट एनेस्थेटिस्ट कौन है जिसका लोगों को पता नहीं होता okay. अनसंग हीरोज okay. तो उनको मैं हमेशा जब भी कोई सर्जरी होती है या जिसकी तारीफ की जाती है आई ऑलवेज टॉप अबाउट देम कि भाई इनकी मैंने 120 साल का अगर ऑपरेट किया तो क्रेडिट टू माई एनस्थेटिस्ट okay. जिसने उनको इज मोर चैलेंजिंग जो भी हमारे हेल्थ केयर में है लोग क्योंकि एक चीज तो है आप, 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 आप हॉस्पिटल जाना कोई पसंद नहीं करता सोरो दैट और अगर हम भी उसमें दुखियों के रखना शुरू हो जाए तो ऐसे दुनिया नहीं वो हैव एक बोलते हैं हैं ना वो, अब शॉक जैसे होते हैं, तो हमें भी वैसी पर्सनैलिटी हेल्थ केयर वर्कर्स की नर्सिंग स्टाफ की और डॉक्टर्स की सर्जन की होना जरूरी है जो कि इस नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करें और पॉजिटिविटी को रेडिएट करें तो वो होता है मोस्टली धीरे धीरे जैसे जैसे हम हेल्थ केयर में काम करते हैं तो हमें आदत ऐसी पड़ जाती है कि एक पेशेंट के सामने उसको सारा बहुत कुछ टॉलरेट ही हर कोई अलग तरह से भी होता है गालियां भी खाते हैं कपड़ भी खाते हैं ये मारते हैं जो हेड इंजरी का हो वो तो देखना होना मैं तो पता है इसको सिर में चोट लगी है बट वो वायलेंट होते हैं और okay. तो बहुत कुछ होता है वो काटा उसकी <laughs> काट बहुत कुछ होता है लेकिन ऐसा कोई अंदर जो है कोई फिल्मों वाला सीन नहीं होता कि mm -hmm. रेड लाइट जल गई तो खतरा तो ग्रीन लाइट तो अब कहा गया वो ऑपरेशन <laughs> गोली निकाल दी एक तो बड़ा कंसेप्ट मैं जब ऑर्थो में आया तो बुलेट इंजरी के जैसे केस mm -hmm. ना तो मैं, मैं ये बुलेट निकालते हैं बोलते यार कौन निकालता है ये तो इन चीज होती है तो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं गोली निकाल दी बच के होता है, वो होती है तो यहाँ तो फिल्मों ही दिखाता है गोली निकलती है हाँ। खतरे से बारियर लो चार गोली ऐसा कुछ नहीं है ऐसे ही इन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है इसके बारे में ऑपरेशन थिएटर वैसे ऑपरेशन थिएटर में हमारे आपकी तरह इंसान Uh, वो वैसे ही बात कर रहे हैं वन रियल पेशेंट आजकल क्योंकि हमारे जर्नल से हम कम ही देते हैं क्योंकि हमारे लिम्स होते हैं ज़्यादातर रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हैं तो उनको सिर्फ सुन किया जाता है टांगों को बागों को भी सुन करके करते हैं पेशेंट बातें कर रहे होते हैं।, हैं हमारे साथ तो उनके साथ हम बात करें वो सुन रहे होते अभी मैं नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट कर रहा था अभी टोटल हिप रिप्लेसमेंट तीन चार दिन पहले तो पेशेंट उसमें वो थोड़े थोड़े चलाने पड़ते हैं पार्ट डालने के लिए तो वो उनसे पूछे और नहीं है, है तो इस तरह का माहौल होता है ये बड़ी आवाजें आ रही है और या सारी उम्र थोड़ी निकलने देना हमने तो इसको फिट करना है okay. तो चलता है और okay, कई एक मुझे याद है कि एक, एक, एक बुजुर्ग थे गाव तो गाना

टर्बुलेंस आ गई तो पेपर बांध दीजिए तो ऐसे मोमेंट्स आते हैं कभी बीपी फॉल कर रहा है कभी बीपी चढ़ रहा है बढ़ गया ऑक्सीजन सेचुरेशन का प्रॉब्लम हो गया कभी ऑपरेट कर रहे हैं तो इवन ऑन टेबल हार्ट अटैक्स भी हुए हैं है, okay. हैंज ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं okay. वो सब हम करते हैं अदर हेल्थ केयर वर्कर्स नर्सिंग स्टाफ ट्वेंटी फोर इंटू सेवन वी आर इन नेगेटिविटी और आप सोच के देख लीजिए ले हॉस्पिटल में कितनी देर टिकना पसंद लेकर अब hmm. बस जी आप पता किया तो चलते हैं फ्रूट फ्रूट खाए पेशेंट को भागो हम वहीं पे रहते हैं हमारा hmm. वही सर्वाइवल मतलब ट्वेंटी फोर इंटू सेवन हमने वहीं रहना है hmm. तो जो पब्लिक हो जाती है डॉक्टर्स को लेकर एक मैं अनफॉर्चुनेट ट्रेंड ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि पेशेंट्स का तो मैं hmm. वायलेंस पे उतर आती हूँ अब हेल्थ केयर कि जो कमी है उसके लिए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए आपको पॉलिटिशियन रिस्पॉन्सिबल है आपकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है आपकी पॉलिसी मेकर रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने अपने बजट का सिर्फ एक पॉइंट पांच परसेंट आपको जी डी पी का आपने हेल्थ में दिया है okay. आप उनको बोलिए बढ़ाइए दस परसेंट करिए तभी आपको सुविधाएं मिलेगी लेकिन उसके लिए अगर आप आपको कोई इंजेक्शन नहीं मिल रहा वहां पे हॉस्पिटल में सामान्य आप डॉक्टर को मारे जे वो जो आपकी मदद करना चाहता है तो देट इज रॉन्ग तो वो आपको समझना पड़ेगा कि और वो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में बोलना चाहूँगा तो यू यू नीड टू बी एक्स्ट्रा सिंपथेटिक और उनकी लाइफ इमेजिन करे पैसे के लिए नहीं काम करते हैं पैसा आप बोलो कि हाँ देट इज़ प्रोडक्ट बाय जैसे बोला बाय प्रोडक्ट लेकिन एक टिपिकल हेल्थ केयर वर्कर हुँ. वो अपने पैशन के लिए काम करता है ही इज हेयर टू सर्व ह्यूमैनिटी लेकिन बाकी सोसाइटी का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू टेक केयर अब जैसे आर्मी मैन का आप ध्यान रखते हो कि वो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहा है उसकी फैमिली को भी देखना है तो आल्सो वी आर सेम डूंग कोविड में देखिए कोविड में 1500 से ऊपर डॉक्टर्स दे लॉस देयर mm. तो कितने को खुद हमें मुझे मेरी फैमिली को तीन बार कोविड हुआ okay. तो वी आर इन बिटवीन तो आ, हम आ, आप लोगों के लिए के लिए काम करते हैं तो ना कि खोएं तो ये नहीं कहता मैं दीजिए बट कम से कम दैट इज वर्स्ट थिंग जो मुझे देखने को मिलती है डॉक्टर्स आर फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड इवन कभी कुछ चीज़ें गलत रिजल्ट नहीं मिलता अच्छा hmm. तो बेहद और इवन ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को टारगेट करते हैं दु आई थिंक ए, अगर यही हालत रही तो अभी भी सिनेरियो आ रहा है कि यंगस्टर्स आर आर नॉट नॉट या पीपल उनको लगता है इतनी हार्ड लाइफ और इतना मुश्किल था मैं mm -hmm. तो आप डॉक्टर्स कहाँ से लाओगे मेडिकल 10 गुना कर दो सीपी आप 20 गुना बढ़ा दो mm -hmm. लेकिन अगर इस तरह से बिहेव करोगे हेल्थ केयर वर्कर्स डॉक्टर्स के साथ तो कोई इस प्रोफेशन पर नहीं लेगा क्योंकि आगे ही मैं बोलता हूँ कि श्री रामचंद्र जी को चौदह वर्ष का वनवास था उससे कम में नहीं सुपर स्पेशलाइजेशन होती तो पाँच साल का एम बी है तीन साल का एम एस है उसके बाद अपने एम सी एच करना हो तीन साल सीनियर करना हो तीन साल चौदह साल के वनवास के बाद एक डिग्री मिलती है और उसके बाद आप प्रैक्टिस में आते हो और उधर आपको फिर मारा पीटा जाए तो कौन आएगा उसमें एंड देट इज नॉट एन ईजी लाइफ एक मेडिकल कॉलेज आपके एडिंग या आप हॉस्टल जाके देखिएगा कितनी फैसिलिटीज मिलती है क्या मिलती है मुझे याद है अपना टाइम कि जब एम एस करते थे तो रात को एक डेढ़ बजे कभी फ्री होना मैं सर्विस करके एमरजेंसी चलती थी तो मैं थर्ड ईयर में था मुझे याद है एक बार ढाई बज के मैं और मेरे सीनियर थे तो कहीं कोई खाना पीना मैगी एक मिलती थी नेफ़े होते थे वो भी ख़त्म हो गई वो लगी वी टू बस स्टैंड तो बस स्टैंड जाके वहाँ खाना खाया और पानी का पूछा तो उन्होंने बोला हमारे पास वो बिस्लरी लगी तो वो वही दूसरा पानी किया तो आई हैड हेपेटाइटिस आफ्टर हेड है तो इस तरह की लाइफ तो mm. हम करते हैं okay. और उसके बाद करने के बाद अगर आपको ट्रीटमेंट अच्छा ना मिले तो दिस वेरी हार्ड लाइफ और उसके बाद भी इट्स नॉट इजी लाइफ इट इज ट्वेंटी फोर इंटू सेवन जॉब अगर मैं बैठा हूँ मैं छुट्टी पे भी हूँ आई हैव प्र कोई कॉल आता है तो ये नहीं है बाकी प्रोफेशन की तरह नहीं है कि हम जी अब दस से चार छुट्टी हो गई तो अब बंद नहीं, नहीं। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी में किसी को ऑपरेट भी करता हूँ देट इज़ अट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स और पर्सनली आई फील कि जैसे अपना परिवार होता है तो uh, मैं तो uh, जिसके साथ भी जिसका भी ट्रीटमेंट करा है या जिसको मेडिकल uh, ट्रीटमेंट uh, भी कर रहे हैं देर पार्ट ऑफ मे एक्सटेंडेड फैमिली तो आई जस्ट टेक केयर ऑफ लाइक आई टेक केयर ऑफ माई किड्स कई बार होता है कि बच्चों का बर्थडे होता है तो उधर काम होता है तो वी प्रेफर का तो ये ऐसी लाइफ हमारी सारी उम्र चलती है तो आई जस्ट वॉन्ट टू से

जो मैल प्रैक्टिस करते हैं उनको लाइए सामने उनको लॉ के आगे ट्राई करिए उनको सजा दीजिए लेकिन डोंट अब आ, आ, पोर्टल्स पे भी मैं देखता हूँ पॉजिटिव न्यूज पर कोई छापता नहीं है ना ही कोई टेलीकास्ट करता है मेडिकल कॉलेज जम्मू में कितने किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं मुझे लगता है किसी पोर्टल वाले ने दो तीन को छोड़ के कवर किया हो लेकिन कोई प्रॉब्लम कोई ठीक है इशू लेकिन वो नेगेटिव न्यूज ऐसी ट्रेवल करती है और नीचे के कमेंट्स कभी पढ़िएगा मारो इनको ये करो दिस इज रॉन्ग ये आप बाकी अब तो रामबन में आज पुल अगर वहाँ सड़क गई तो अब इंजीनियर को तो नहीं मारे है ना कोई कोर्ट में केस हार गया आपने कभी वकील को तो नहीं मारा आपके घर की लाइट चली जाती है तो आप इलेक्ट्रिशियन को तो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को तो नहीं मारते हो है ना दिस इज रॉन्ग ये मॉब जस्टिस वाली टेंडेंसी आई थिंक दिस शुड स्टॉप पर मेडिकल प्रोफेशन में खास करके मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि यंगस्टर्स ऑलरेडी दे आर गेटिंग डिस्करेज ठीक है अगर ये प्रोफेशन नहीं मैं इसमें बहुत लेबर है और आगे लाइफ बहुत हार्ड है प्लीज डोंट मेक इट कल को आपको जैसे आपको शायद यू के यू एस का सिस्टम पता हो ना हो यहाँ आपको शाम को आपको सुप स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट चलो जितने भी 500 सौ फीस है हजार फीस है वो दे के आप उनसे मिल सकते हो क्यूंकि यूएस में आपको छे महीने से पहले का वेटिंग पीरियड नहीं मिलता वो सुपर स्पेशलिस्ट okay. यहाँ हमें सब कुछ इजिली अवेलेबल है और उसकी कदर नहीं करते hmm. तो अब ऐसा सिस्टम बना के हम वो ना करें जो वहां पर प्रिवेलिंग है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम डिस्पाइट ऑल लेक्यूनेट hmm. डिस्पाइट ऑल शॉर्ट कमिंग बेस्ट है वर्ल्ड में कोविड में हमने दिखा दिया कोविड में जितने कम हमारे पास रिसोर्सिस नॉन डॉक्टर जाके है ना उसके फैमिली से छ छ महीने दूर में जाते नहीं थे घर नहीं जाते थे तो अपनी फैमिली के रिस्क पे हमने करा है तो ऐसे डॉक्टर्स को आप जनरलाइज करके नेगेटिव नहीं ऐसा नहीं है ये जो खराब खराब बोलिए वो अच्छे है, वो अच्छे हैं है ना कीजिए तो ये बहुत मैं एक मैसेज देना चाहता सर स्पीकिंग ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं लोग प्रेफर करते हैं कि बाहर जाके ट्रीटमेंट करवाएं ना कि यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है uh, लोग uh, अभी जैसे आपने जी के बारे में बताया तो हमने बहुत कुछ सुना है नेगेटिव ऑलमोस्ट क्योंकि न्यूज चैनल्स तो वही भी दिखा रहे हैं सर oh, जम्मू का हेल्थ केयर सेक्टर इतना डिटोरेटिंग क्यों है जम्मू का आ, हेल्थ केयर सेक्टर में जब आ, बात करूँगा तो हमारा प्री डोमेटली यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर सी डिस्ट्रिक्ट सी हॉस्पिटल्स फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज पहले तो जम्मू और श्रीनगर में ही थे अब पेरी में भी हमें डोडा में राजौरी उधमपुर में भी अब स्टार्ट हो गया तो ये भी पेरी में भी स्टार्ट हुए दे आर फ्री डोमिनेटली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स तो मैं इसको धीरे क्रिटिकली आपको सारा बता दूंगा कि आर गवर्नमेंट सेक्टर इज़ नॉट दैट बैड अगर आप एडजॉइनिंग पंजाब में जाएंगे आप मुझे एक हॉस्पिटल सरकारी गिना दीजिए जिसको आप बोलोगे कि वहां का अच्छा हॉस्पिटल है नहीं है हमारा, क्योंकि हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं हम कंपेयर करते हैं यहाँ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को वहां के प्राइवेट इंस्टीट्यूट से यहाँ से जी जम्मू से पेशेंट कहा जाता है डी एम सी लोग नाम सुनते हो आप Uh, पंजाब के कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जाएगा जो uh, नाम लिए जाते हैं ना अमृतसर गए चंडीगढ़ गए तो यू काट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस यू हैव टू कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स और वहाँ के एप्पल में बता दूंगा मैं घूमा हुआ हूँ पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल मैंने देखे हुए हैं हमारे वाले कई गुना अच्छे हैं क्योंकि लोग जानते नहीं हैं इसलिए यहाँ और दूसरा मैं बताना चाहूँगा यहाँ प्राइमरी रीज़न जो है जम्मू में अगर क्योंकि सरकारी है तो सरकारी मैंने हिमाचल का भी देखा है hmm. हिमाचल का सरकारी बहुत अच्छा है जम्मू से बिकॉज hmm. वहाँ पे वर्क कल्चर काफ़ी बेटर है वो मैं साफ बोलना चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा हाँ हेफ़र्ड सिस्टम मैंने क्योंकि खुद भी ढाई तीन साल के लगभग टू इसमें हेल्थ केयर में काम करा हुआ है और खुद चीज़ें ऑब्जर्व की हैं राइट फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ सेंटर टू मेडिकल कॉलेज में भी काम किए हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी किया हुआ है तो एक तो वर्क कल्चर का डिफरेंस तो है ही है यहाँ पे मैं एक मैं कहूँगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो पेरीफ्र इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे सी एच सी होगी या डिस्ट्रिक्ट uh, हॉस्पिटल्स हो गए उस लेवल पे जो बेसिक काम होना चाहिए जितना होना चाहिए वो शायद नहीं हो रहा है okay. उसका क्या रिजल्ट है उसका रिज़ल्ट यह है कि इवन छोटे से छोटा केस भी जैसे शाम को छ बजे कोई क्रिटिकल थोड़ा सा लगे तो भेजो जीएमसी जम्मू hmm. पुंछ का आएगा भेजो जीएमसी जम्मू कठुआ का भेजो जीएमसी जम्मू वहां का आएगा बोले अब जीएमसी जम्मू को कैपेसिटी भी सोच लीजिए ना फिट नहीं है ठीक है ना तो दिस इज द रीजन की पेरीफ्री में जितना काम होना चाहिए हुआ जीएमसी जम्मू इज ओवर बर्ड यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें जो बाहर मैनेज होनी चीजें छोटे हॉस्पिटल में वहाँ यहाँ का डॉक्टर उसको भी देख रहा है यहाँ का डॉक्टर क्रिटिकल केस भी देख रहा है है ना फिर यहाँ पे फैसिलिटीज कितनी दी जाती हैं वो भी नहीं कोई देखता यहाँ पे कितना बजट दिया जा रहा है वो भी कोई नहीं देखता yes. तो इट इज़ ओवरबर्डनड और सेकेंड रीज़न मैं इसका बोलूँ कि जैसे मैंने हिमाचल में भी काम किया है तो वहाँ पर जो प्राइवेट प्रैक्टिस का जो पैट uh, जो चलता है सिस्टम वो वहाँ पर नहीं है okay. वहाँ पे जो सरकारी में है वो गोलाटली सरकारी में काम करता है हुँ. जो प्राइवेट में है वो प्राइवेट में काम करता है यहाँ पे ये जो मिक्सचर किया हुआ है इन्होंने दोनों चीज़ों को दो कश्तियों पे सवार कराया हुआ है ना उसका क्या फॉल आउट हुआ उसका फॉल आउट ये हुआ कि यह हमारे यहाँ प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर डेवलप ही नहीं हुआ यही डॉक्टर्स जो मेडिकल कॉलेज में दिखेंगे या गांधीनगर नगर हॉस्पिटल सरवाल में तो यही शाम को आपको यहाँ के प्राइवेट हाँ, दिखेंगे, ठीक है एक तो एफिशिएंसी, ठीक है दो दो जगह पे आप नहीं कर सकते मैंने खुद भी करके देखा है सरकारी में भी करा फिर शाम को क्लिनिक करो ये करो नहीं हो पाता है दूसरा प्राइवेट सेक्टर को ट्वेंटी फोर इंटू सेवन मैन पावर नहीं मिलती है वही मैन पावर तो शाम को पांच बजे तक सरकारी में होगी hmm. फिर चार घंटे के लिए प्राइवेट में होगी तो वो, वो प्राइवेट सेक्टर वो प्राइवेट हॉस्पिटल कितना डेवलप होगा hmm. हाँ अब नारायण हॉस्पिटल कटरा जब से आया है तो दिस वॉज द फर्स्ट ट्वेंटी फोर इंटू सेवन कॉरपोरेट हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर का जो श्राइन बोर्ड के साथ hmm. बना तो इसने थोड़ा सिनेरियो चेंज किया और अब तीन चार हॉस्पिटल जम्मू में और ट्वेंटी फोर इंटू सेवन मोड में आए हैं एंड थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग लेकिन ये जो पुराना जो होता है ना सिस्टम बैकलॉग और एक इम्प्रेशन बनाता है खासकर मेरे ऑर्थोपेडिक्स का मेरी ब्रांच तो वैसे बदनाम है कि कभी अमृतसर जुड़ेगी जुड़ेगी या, या उधर जुड़ेगी पंजाब में या हुँ, नहीं नहीं। हुँ, तो जुड़नी नहीं ये तो रोशन बन गई है लोगों की लेकिन यहाँ जुड़ती है अब ख़ास करके आ, आ, मैं यहाँ पे आ, एक तो प्राइवेट प्रैक्टिस वाला जो सिस्टम है मुझे लगता है उससे हमारा जो Uh, ये डेवलप नहीं हुआ प्राइवेट हेल्थ केयर ये कॉल लेनी पड़ेगी इवन डॉक्टर्स के लिए भी पर्सनली उनको लगता है कि पैसे हम बहुत बना लेते होंगे या जो भी है लेकिन एक अच्छा ग्रेड अगर सरकारी में मिल जाए मैंने हिमाचल के डॉक्टर्स देखे हैं उनको बहुत अच्छा ग्रेड मिलता है बहुत अच्छी पे मिलती है तो उनको जरूरत भी नहीं होती कि वो, वो शाम को जाके वो फैमिली के साथ बैठते हैं वर्क लाइफ बैलेंस इज़ गुड अपनी अच्छी लाइफ भी जीते हैं पेशेंट्स भी देखते हैं काम भी करते हैं रिसर्च भी करते हैं यहाँ पहले आप यहाँ तक निपटाओ फिर आप क्लिनिक करो फिर आप जो सर्जन है फिर वो कोई रात को एक बारह बजे सर्जरी कर रहा है बेचारा कोई सुबह चार बजे उठ के सर्जरी कर रहा है कोई पाँच बजे कर रहा है तो ये मतलब एक डॉक्टर की लाइफ भी आई थिंक वो एक इम्बेलेंसड लाइफ है तो उसके भी फिर इम्पैक्ट हम लोगों को पड़ता है आई थिंक एक कॉल हमें भी लेनी पड़ेगी कि दो बेस्टें हो जाए एक, एक पे सवार हो जाए तो उससे हमारा प्राइवेट हेल्थ केयर यहाँ डेवलप होगा और आई uh, थिंक मुझे होप है कि थिंग्स आर चेंजिंग और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज आएगी नारायण hmm. हॉस्पिटल uh, कर रहा है कम वी आर डूइंग गुड बहुत अच्छा छः साल सात साल में सात साल हो गए हैं इसको वी आर इन टू एटथ ईर तो uh, काफ़ी परसेप्शन और खासकर कोविड में कोविड hmm. में आप जो बाहर नहीं जा सकते थे उन्होंने आके फर्स्ट टाइम देखा कि यहाँ भी केयर मिलती है hmm. और सेकेंड जो हमारा यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना इंडिया तो बैंक तो उसमें हमारा हॉस्पिटल उस में बैनर है तो उससे भी लोग यहाँ ट्रीटमेंट कराना शुरू हुए हैं जम्मू में और उनको पता है कि हड्डी यहाँ में जुट रही है सो परसेप्शन चेंज हो रही है क्योंकि पिछले अगर तीन चार डिकेड्स का बैकलॉग लेके चले और परसेप्शन लेके चले ओवर नहीं चेंज होगी एंड आई एम श्योर जो हमारी जनरेशन आ रही है डॉक्टर्स की बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ आके काम करना चाहते हैं और अभी कॉरपोरेट एक है कॉरपोरेट में जो लगता है लाइंड अप है अपोलो का एम साइन हुआ था कुछ और हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं आई थिंक आने वाले चार पाँच साल में काफ़ी सिनेरियो चेंज होगा यहाँ अगर जब तो प्राइवेट हेल्थ केयर एम्स जम्मू आ रहा है सरकारी में उससे काफ़ी सिनेरियो चेंज होगा वो जब अच्छे से चलेगा तो आई uh, थिंक कि बाकी सरकारी वालों को दे विल हैव टू पुल अप द सॉक्स क्योंकि जब वहाँ जाके क्वालिटी ट्रीटमेंट पेशेंट को मिलेगा बोलेगा वो भी इंस्ट्यूट है तो ये क्यों नहीं करते हैं तो आई थिंक एक, 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 एक रास्ता मिलेगा एक डायरेक्शन मिलेगी जम्मू के हेल्थ केयर को प्राइवेट सेक्टर भी स्ट्रेंथन होगा कॉर्पोरेट्स चार पांच आ जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और खुलेंगे तो हमारे हम लोगों को बहुत सुविधाएं मिलने वाली हैं और मैं जल्द ही आने वाले दस साल में मुझे उम्मीद है कि एक रिवर्स स्टैंड आएगा जो हम पंजाब जाते हैं पंजाब वाले यहाँ आएंगे वो शीघ्र होगा सोन सर सर हमने uh, आपके सेक्टर के बारे में सुना है जब अनफॉर्चुनेट केस हो जाता है जब आप पेशेंट की जान नहीं बचा पाते हैं उसमें आपके डॉक्टर्स uh, के ऊपर कितना मेंटल प्रेशर होता है uh, एक तो आपकी तरफ से आपको अपना गिल्ट भी होगा कि आप बचा नहीं पाए फिर ऊपर से फैमिली जैसे आपने बताया फैमिली कभी एग्रेसिव हो जाती है या फिर ब्लेम uh, करने लगती है वैसे तो उस सिचुएशन में क्या बैलेंस रहता है आपका उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो काम आती है वो आती है कम्युनिकेशन आपको हमारा मेडिकल नॉलेज है है ना और प्रैक्टिकली हम उसको अप्लाई कर रहे हैं और मुझे ये कहने में शर्म नहीं है कि मेडिकल साइंस में हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है हमारे फील्ड में भी कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका अभी तक इलाज नहीं है हमारे पास तो और अब हमारी हमारी भी शॉर्टकमिंग्स हैं ट्रीटमेंट्स इतने परसेंट हमारी सर्च वर्क चलता रहता है तो हर बीमारी का जो भी सर्जिकल प्रोसीजर है उसका रहता है कि इतना परसेंट जो है इस चीज़ का रिस्क है नहीं। नहीं। वो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें होती हैं वर्ल्ड ओवर स्टडीज होती हैं कॉन्फ्रेंसिस होती हैं हमारे जर्नल्स आते हैं तो एक तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या चल रहा है कैसा है और दूसरा उन्हीं चीज़ों को हमें आगे कन्वे भी करना है अटेंडेंट्स को जो फैमिली है उनको क्या बीमारी है उनको कितनी सीरियस बीमारी है अगर हम सर्जरीज कर रहे हैं तो उसमें कितना रिस्क है तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिससे आप उनको प्राइम करेंगे तो आई थिंक कि वहाँ कहीं ना कहीं कमी रह जाती है या बहुत जैसे सरकारी मैं बोलूँगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन है वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो वो एक अगर आप करते हो फैमिली uh, को भी पता है क्योंकि यूजली क्या होता है कि शॉकिंग उनको लगता है कि क्या होगा सडनली अभी तक तो कह रहे थे कि ठीक चल ठीक रहा है सडनली क्या हो गया exactly. तो uh, वो बहुत सी चीजें होती है जो कि बियड आर कंट्रोल यहाँ पे होती है मैं वही कहता हूँ कि सम फैक्टर्स आर अंडर इन इन माय जब मैं कोई सर्जरी कर रहा है तो मेरे हाथ में क्या है मेरे हाथ में यह है कि मैंने जो सर्जरी करनी है उसके स्टेप्स जो हैं वो मैंने अच्छे से जैसे होना चाहिए वैसे करने हैं टाइमली करने हैं ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं होने देना ये ये चीज़ें हैं मेरे हाथ में जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ मैं अपने स्किल को बढ़ा के अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करके प्रैक्टिस बढ़ा के अच्छा तो उसको करके दिस इज वॉट इन इज इन माई हैंड मेरे हाथ में क्या नहीं है कि पेशेंट को ड्यूरिंग सर्जरी आ, उसको कोई क्लॉट लेग से निकल के हार्ट में चला गया ब्रेन में इंट्रोपरेटिव हार्ट अटैक हो गया uh -huh. नहीं कर सकते आप ये चीजें होती हैं तो uh -huh. so, uh, ये एक जिसको हम बोलते हैं ना जैसे सर्जरी का मैं बोलना प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग जिसको हम बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब आप सर्जरी के लिए जाते हैं यू मस्ट टेल अटेंडेंट्स पेशेंट तो बेचारा डर जाता है पेशेंट को आप भी अपने लिमिटेड उस वे उनका मॉरल भी हाई रखना होता है लेकिन फैमिली uh, मेम्बर्स को और अटेंडेंट्स को यू है थी ये ये चीज़ है आपको पूरा एक्सप्लेन करना और यूजली uh, जैसे ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज करनी होती है उसमें तो पेशेंट बिल्कुल तैयार हो के नहीं आता वी कुछ एडवर्स हो बट यू हैव टू एक्सप्लेन की ये ये चीज़ हमारे हाथ में है एम्बुलजम हो सकता है Uh, बाकी चीजें जो है वो जैसे आफ्टर uh, सर्जरी अगर जख्म के लोगों की इम्यूनिटी लो हो रहा है है रहा है। तो इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसे डायबिटिक है पेशेंट के चांसेस है तो वी हैव टू एक्सप्लेन कि ये ये लिटरेचर में हमारे जो आते हैं, ये है okay. ये है मैं इस ट्रीटमेंट का ये कॉम्यूनिशन अब मैं इसमें यही बताऊंगा कि देर इज ए डिफरेंस क्योंकि हमारे एक ट्रेंड चल पड़ा है कि कुछ भी एडवर्स होता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट फॉर नेग्लिजेंस है ना नेग्लिजेंस है तो आ, मैं बताऊंगा कि कॉम्प्लिकेशन रेट हर प्रोसीजर का हर ट्रीटमेंट का मैंशनड है कि इसका क्योंकि स्टडीज हो रही हैं तो नेग्लिजेंस और कॉम्प्लिकेशन में क्या फर्क है तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल यूजली पहले भी देता रहा हूँ कि जैसे आप हम गाड़ी चलाते हैं गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट्स होते हैं जैसे पेशेंट्स भी आते हैं तो हमें बड़ी बार बोलते हैं कि उसने जी नहीं रिप्लेसमेंट कराया वो चला नहीं वाजपाई जी चला नहीं ये नहीं वो नहीं तो मैं उनको ये बोलता हूँ भाई गाड़ी आप रोज चलाते हो एक्सीडेंट की भी खबरें रोज पढ़ते हो वो उसमें आप इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हो हु? उसमें आप क्या बोलोगे सेफ ड्राइवर बनोगे आप सीट बेल्ट पहनोगे आप साठ की सत्तर की स्पीड से ऊपर नहीं गाड़ी चलाओगे आप शराब पी के गाड़ी नहीं चलाओगे है ना तो ये चीजें आप जो है एक सेफ ड्राइवर बन के कर सकते हो ये सब करने के बावजूद भी एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि कोई आगे से गाड़ी आ गई आपको लग गई ऊपर से आप पहाड़ी रास्ते में चल हो ऊपर से पहाड़ गिर गया लग गई दिस इज वट इज नॉन एज कॉम्प्लीकेशन ओके मेडिकल फील्ड में भी ऐसी चीजें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड अनप्रिडिक्टेबल लेकिन है रेट कि सौ में से एक में होना है अब वो एक कौन है वो तो आप बता नहीं सकते हो तो the, परसेंट अब क्या है? है, आप जान बुझ के लापरवाही कर रहे हैं आप सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हो आप शराब पी के गाड़ी चलाते सौ बीस पे गाड़ी चलाते हैं तो ये अगर कोई इस तरीके से करता है मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान भी उससे एक्सपेक्टेड है इस तरह का बिहेवियर कि ना करे उसको hmm. आप बोलोगे नेग्लिजेंस अब हर चीज को मीडिया चैनल में कि कुछ ये 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 हो गया तो नेग्लिजेंस है है आई थिंक फैशन बन चुका वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉम्प्लिकेशन एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज नेग्लिजेंस ए हर नेगेटिव आउटकम इज नॉट नेग्लिजेंस और जब आपने जैसे बोला कि कुछ अनटोवर्ड होता है जैसे किसी का जख्म भी प्रॉपर टाइम पर hmm. नहीं आ रहा है सबसे ज्यादा दुख तो उसका होता है जो पौधा सिंह चढ़ाता है मान को होता है जिसका पौधा मर जाता है अगर हम शो नहीं करते हैं तो घर में जाके हो सकता है बंद कमरे में, में रोते हूँ क्या हो गया ठीक <laughs> है ना तो किसी को अच्छा नहीं लगता कोई ट्रीटिंग डॉक्टर को ये नहीं लगता कि मेरे पेशेंट को कुछ भी बुरा हो गया तो बहुत बड़ी चीज़ है कि ऑन टेबल कभी ऐसे ऐसी चीजें होती है तो उस दौरान एक तो अगर हमने प्राइम किया हुआ है अगर हाई रिस्क केस कर रहे हैं पेशेंट को बताया हुआ है नहीं भी बताया हुआ बी ऑनेस्ट मुझे तो ये है कि आप छुपाने के बजाय भागने के बजाय आप सामने जाइए कि ये ये चीज है ऐसा होता है और ऐसा हुआ है और अनफॉर्चुनेटली हुआ है दैट इज अ फैक्ट और बाकी तो मैं ये कहता हूँ कि डेथ तो डॉक्टर्स ने नहीं बनाई है दिस इज ये संसार का नियम है mm -hmm. जन्म और मृत्यु परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है तो हाँ ये हमारा एज ए डॉक्टर एज ए ट्रीटिंग फिजिशियन और एज ए सर्जन हमारी कोशिश होती है वी वांट टू डिले दिस इवेंट लेकिन उसको हमने नहीं बनाया वो होती है लेकिन एक्सपेक्टेशन सबकी होती है hmm. लेकिन बावजूद बेस्ट ट्रीटमेंट देने के बेस्ट एफर्ट्स के आ, आ, हमारे आ, हाथ में नहीं होते सारे रिजल्ट hmm. तो एक एडवर्स रिजल्ट आए तो उसका ये मतलब नहीं है कि, कि आ, किसी ना किसी का तसूर है तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जैसे भगवत गीता में लिखा है कि कर्म करो और फल जो है वो परमात्मा के हाथ में है तो वैसे ही एफर्ट्स होते हैं मेडिकल फील्ड में भी और हमारे मैं नाइन्टी नाइन यही कहता हूँ कि जो भी हेल्थ केयर में है इसमें कोशिश होती है कि हमारे पेशेंट ठीक हो पूरी जान लगा के करते हैं बीच में एलिमेंट्स हैं जो होते होंगे इशू आउट लेकिन मेजॉरिटी जो इसमें है हम खुद ऑब्जर्व करते छोटे से छोटा जो हमारा स्टाफ भी होता है उनकी कोशिश होती थी पेशेंट हमारा हँसा फैलता हुआ वापस काट जाए और उसकी खुशी जो होती है ना वो हमसे ज़्यादा कोई नहीं महसूस कर सकता तो जो पेशेंट टेरा बेरा चलता हुआ नीज इसके खराब होंगे और तीन महीने बाद वो सीधा चल के आता है डॉक्टर साहब हम ठीक हैं तो उससे बड़ी खुशी आपको मुझे लगता है पाँच करोड़ रुपये भी देंगे तो वो एक सेटिस्फेक्शन अलग है लेकिन हाँ कभी एडवर्स uh, होता है वो घर वालों का लॉस होता ही होता है एज टूटिंग फिजिशियन और एज ए डॉक्टर हमें उससे मतलब कह कह दस से सौ गुना अगर कहो बहुत दिक्कत है hmm. हम एक्सप्रेस करें ना करें hmm. तो इमोशंस हमारे भी होते हैं हमारे लिए वो कोई कहें कि मकैनिकल uh, हो गया हो नहीं इमोशंस हमारे भी होते हैं hmm. और हम यही चाहते हैं कि हर कोई सुखीदा और अभी हम आप कहते हो स्परिचुअलिटी और वो तो आई थिंक ये डॉक्टर मस्ट बी स्परिचुअल इसको एक सुपर नेचुरल जो ऊपर दुनिया चलाने वाली ताकत है आई yeah. थिंक uh, है नहीं है जैसा भी है हर एक का अपना अपना बिलीफ है तो ही नीड्स टू प्रे टू दैट फोर्स और वो फोर्स अगर उसके साथ उसकी ऑनेस्ट इंटेंशन उसके साथ काम करेगी टू टू डिलीवर केयर और जब कभी ऐसा एडवर्स hmm. भी होता है तो आई थिंक ही लोग समझ जाते हैं hmm. अगर आपके एफर्ट्स ऑनेस्ट हैं hmm. आपके हंड्रेड परसेंट एफर्ट्स आपने आ, पूरा पेशेंट के साथ जस्टिस किया hmm. तो होती हैं चीज़ें खराब चीजें भी होती हैं hmm. एक्सीडेंट्स टू है hmm. hmm. भी हो रहे, hmm. तो ऐसे ही

सेकेंड गॉड भी बोलते हैं लोग कि वो लोग जाने बचाते हैं ऐसा कोई केस आपके पास आया हो जो लोग बहुत ही खुश हो के गए ऐसा एक्सपीरियंस कोई नहीं है इसमें काफ़ी ग्रेटफुल लोग हैं और अगर बोले कि हाँ सब खराब है नहीं ऐसा कुछ नहीं इसमें मैं एक मेंशन करना चाहूँगा वो चीज़ जो आपने बोला एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशन होता है या डॉक्टर एंड रिलेशन होता है इट्स अ वेरी सेक्रेट रिलेशन तो एक फेथ का है आप जैसे आप एक प्लेन में बैठते हो यू द पायलट एंड एयरलाइंस ये मुझे उड़ाएगा mm -hmm. और ये मुझे पहुंचाएगा mm -hmm. तो एक तो हम पे फेथ करते मतलब मैं कभी कभी सोच के मतलब ये भी सोचता हूँ कि अगर आपको कोई को अपनी जान सौंप रहा है mm -hmm. टेबल पे आ रहा है ऑपरेशन टेबल पे तो वो पेशेंट आपको अपनी जान आपके हाथ सौंप रहा है कि आपके हाथ में exactly. तो ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ही बड़ी चीज़ है और ये एक डॉक्टर कम्युनिटी के बोलूँगा कि ये एक इसको एक एक पॉजिटिव वे में आप लीजिए कि ये एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है बाकी मैं बोलूँगा भगवान का स्थान भगवान का है हम इंसान है तो आ, हाँ ज़रूर भगवान को मानने वाले इंसान मोस्टली होते हैं हम तो भगवान का प्लेस तो हम नहीं ले सकते लेकिन हाँ हम चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद हमारे हर ट्रीटमेंट में वो पता है आर लिखते हैं जो उसका क्या मतलब होता है वो एक प्रेयर होती है okay. टेक दो ये तुम्हारे आपको दे रहा हूं hmm. आप, we write, we heals, जो एक होता भी है बिकॉज हम बहुत बार रियलाइज करते हैं कि हमने ट्रीटमेंट तो सबको अच्छे से दिया ये ठीक हो गया ये नहीं हुआ ये थोड़ी देर बाद ठीक हुआ hmm. रियलाइज तो ये चीजें होती हैं तो इसमें मैं ये मैं इस रिलेशनशिप को आई थिंक डिस्टर्ब खास कर मूवीज में इस तरह से पोर्ट्रेट किया जाता है फिर आ, कुछ शोज ऐसे आए हैं जिन्होंने कि मतलब एक फेथ को खत्म करने की कोशिश की है अब आप प्लेन में बैठ जाओ इमेजिन करोगे आप अब यही सोच करोगे पायलट ये क्यों कर रहा है वो क्यों कर रहा है <laughs> ना गूगल खोल के बैठ जाओ कि पायलट ने ये वाला बटन दबाया नहीं दबाया Same with, is with doctors, mm. कि वो अगर ट्रीटमेंट कर दूसरा ये जो चीज आई है ना कमर्शलाइजेशन के बाद हमारे एक्ट में लाना माई पेशेंट इज नॉट माई कंज्यूमर एंड आई एम नॉट ए बिजनेस मैन मैं बिजनेस मैन नहीं हूँ mm. हाँ ये बात अलग है कि आपकी पॉलिसीज वैसी बन गई है कि आप टैक्स लगाना चाहते हो आप हॉस्पिटल को उस तरह से mm. इससे बहुत रिलेशन डिस्ट्रॉय mm. हुआ है क्योंकि फिर वो आ जाता है लिटिगेशन फिर आ जाता है कंपनसेशन फिर आ जाते हैं exactly. है, कुछ ऐसे ऐसे रैकेट्स देखे गए हैं कि तो किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो लॉयर्स आके उनको इंस्टीगेट करते हैं रैकेट चलाया है mm. कि आप आपको हम कंपनसेशन लाते हैं मेरा इतना हाँ, ये सिस्टम भी चला हुआ है आई थिंक दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट ये एक सेक्रेट प्रोफेशन है इसको मुझे नहीं लगता कि किसी को डिस्टर्ब सरकारों को भी ये फिर से कंसिडर करना चाहिए कि आपको ये डॉक्टर और पेशेंट वाला जो है आई थिंक हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो बोला जाता है या ये दिस दिस इज इज नॉट इंडस्ट्री प्योर्स थिंग आपने इसको इंडस्ट्री बना के हमने कोई कागज इसकी फैक्ट्री टाइलों की थोड़ी लगाई हुई है हम इंसानों को डील करते हैं उसका ट्रीटमेंट करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री हेल्थ केयर के कुछ हॉस्पिटल शेयर लगाए हुए हैं इज दिस गोइंग ऑन ये चीज़ें तो नहीं अदा होनी चाहिए इसी से चीज़ें डिटेरेट होती हैं उनको उनका हमारा ये ए, रिटर्न आ गया ये आ गया भाई आप बिजनेस नहीं हो एंड इस प्रोफेशन में बिजनेस नहीं हो सकता अगर आप इस प्रोफेशन को बचाना चाहते हैं टेक दिस आउट ऑफ दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ये जो आपने ये किया हुआ है सारा सिस्टम ये आपको चेंज करना पड़ेगा आपको एक अलग तरीके से यू नीड टू पे डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स वेल ताकि ये जो चला हुआ है कि नेगेटिव चीज़ें आई हैं ग्रीड आ गई है ये हो गई है ये सब खत्म करने की ज़रूरत है hmm. और हमारे प्रोफेशन में भी लाइक एवरी प्रोफेशन मॉरल वैल्यूज तो हर एक की कम हो गई hmm. तो बहुत सा uh, फिल्थ आ चुकी है वी नीड टू क्लीन आवर हाउस ऑल्सो तो आई थिंक वो करने की ज़रूरत है और उस प्रोफेशन को जो एक हाई पोटेस्टल में कभी हुआ करता हुआ था वापस लाने की जरूरत है और ये आई थिंक uh, जो आने वाले डॉक्टर्स हैं हमारे अपनी जनरेशन जब मैं उनको देखता हूँ आई एम वेरी होपफुल कि वो चेंज लाएंगे आपकी जनरेशन लाएगी आने वाली जनरेशन जो हमारे हैं वो बहुत अच्छा सोचते हैं, आई थिंक चेंज इज राउंड कॉर्नर और जो कुछ गलत हुआ है दिस वी रेक्टीफाइड ग्रेट सर

जब से किया मुझे दो साल हो गए हैं, hmm. दिन हो रात हो उनका गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज आता ही है आता गुड है। नाइट okay. hmm. करके सोना और गुड नहीं करते चार <laughs> मैन मुझे कई बार फोन चेक किए कभी होता नहीं है कभी, कभी नहीं करता देर आर ग्रेटफुल पेशेंट्स जो आपको भूलते नहीं और वो जब भी मिलते बोलते जी अगला जन्म हुआ या जैसे वो वी गेट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स की आ, आ, हमारा तो दैट्स इट लेकिन वो मैं यही कहता हूँ कि आ, उसमें यही एग्जांपल देता हूं कि देखिए हमारा तो काम हम है हम हर एक के लिए करते हैं रिजल्ट कैसा मिल रहा है बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है तो उसमें आ, एक कहानी मैंने सुनी है कि जो रहम थे जी तो वो दान देते थे जब तो वो उनकी वो ना नजरें झुका के दान देते थे तो उनको किसी ने बोला कि भाई रहीम को ना दान देते हो शर्म आती है वो पता नहीं क्यों नजरें झुकाता है उसको तो पूछ लिया रहीम क्योंकि आप शर्म की बात थोड़ी है दान दे रहे हो तो आपके लिए गर्व की बात है तो उसने उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है बोला कि देन हार कोई और बेजत जो दिन रहन लोग भरम हम पर करें तासोत इसका मतलब यह है कि मुझे कोई और दे रहा है मैं किसी को दे रहा हूं जो मुझे भेज रहा है दिन रात ठीक है तो लोग बोल रहे कि मैं दे रहा हूं मुझे इसलिए शर्म आती कि मैं नहीं दे रहा देने वो परमात्मा है तो वो दे रहा ऐसे ही ये हीलिंग जो है जो रिजल्ट्स हमें अपने ट्रीटमेंट के मिलते हैं तो आई कॉल इट ब्लैसिंग नाइड तो वो करने वाला है हम तो जस्ट ट्रीटमेंट देते हैं ही हील्स ही क्योर्स वी ट्रीट ही क्योर्स जो एक कॉमन और जो आरएक्स लिखा जाता है उसके लिए ये हमारी प्रार्थना होती है तो यही है कि करने वाला परमात्मा का आशीर्वाद अगर आप पे है आपके पेशेंट्स पे है मैं तो यही प्रार्थना जब भी हमारी होती है कि हमारे हाथों जो बने वो सबका भलाई हो और सब खुश होके जाए जो हमारे पास आए ठीक होके जाए तो बाकी जो अदर साइड आपने बोला कि जो बताया फिर तो मैंने यही बोला कि ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता तो है डॉक्टर ना जैसे ऐसे खुंदक जैसा बंदा बंदापू फटापू जिसकी कोई और इंटरेस्ट ही नहीं है ना तो वो की सिर्फ पढ़ता है कॉम्पिटिशन करता है ना तो फिर बच्चों को पढ़ाता है वो भी कहावत चलती है कि डॉक्टर के गाँव में पहले डॉक्टर बनना फिर डॉक्टर बीवी से शादी करना फिर बच्चों को डॉक्टर बनना फिर उनके बच्चों को डॉक्टरों से शादी करना वो ऐसा ऐसा नहीं है डॉक्टर्स बहुत सारे बहुत आर्टिस्ट होते हैं बहुत छिपे हुए आर्ट होते हैं उनमें वो हम देखते रहते हैं लेकिन यह कि बिकॉज हमें प्रोफेशन में इतना ज़्यादा डेडिकेट होना पड़ता है कि हम नहीं चाहते कि हमारी कोई डेडिकेशन की कमी से कोई ऐसी चीज हो क्योंकि उसका इंपैक्ट बहुत होता है छोटी uh, सी मेरी uh, कोई अगर कुछ रह जाती है शॉर्ट कमिंग तो उसको दूसरे को भुगतना पड़ता है तो वी डोंट वांट दैट कि कोई हमें कोई डिस्ट्रैक्शन हो लेकिन बहुत से आर्टिस्ट पेंटर शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स ऐसे ऐसे लोग मैं ट्विटर पर हूँ तो वहाँ पे बहुत से ने वायटी के डॉक्टर्स देखे जिनका क्या

सिंगर्स uh, और uh, uh, बाकी पॉलिटिकल तो है तो, एक्सपर्ट्स पॉलिटिकल कमेंटेटर्स बहुत hmm. अमेजिंग और बहुत लाइट हार्टेड आप आप कभी ट्विटर पे जाओगे तो स्किन डॉक्टर को देखिएगा मेरा जो ट्विटर नेम है बोन आए हुए हैं उनसे मिला हुआ हूँ कभी ट्वीट देखिए पोलिटिकल सेटायर होते हैं नहीं जबरदस्त आप सोच सपेश बट कोई जवाब नहीं उसके हाजिर जवाबी का उनकी प्रेसेस ऑफ माइंड का और सटाय कमाल के ऐसे ऐसे लोग बहुत टैलेंट भरा पड़ा है और यही जो प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये ऐसे खुंदक वाले पता नहीं क्या करते होंगे और बहुत लाइफ इन्जॉय करते हैं डॉक्टर्स ऐसा नहीं है जी देव दियर लाइफ लेकिन अब थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो गया हुआ जो मैंने चीजें बताई कि कितना प्रेशर में डाला जाता मैं कि नेगेटिव आउटकम को या एडवर्स आउटकम को एक्सेप्ट ही नहीं करतेज राउंड ब्लैक मेलिंग करना आप आपके हम लिटिगेशन कर देंगे उससे प्रेशर पड़ता है अब किसी के धन पॉइंट पे बंदूक रख के बोलो भी भाई ठीक कर मुझे नहीं होगा अब किसी को थ्रेटन करके उससे बेस्ट सर्विसेज नहीं दे सकते हो आप उसको कंफर्टेबल uh, बना के उन पे फेथ करके और उनको एक रीश्योरेंस uh, uh, करके कि अगर नहीं होता वी आर स्टैंडिंग वी आर विद यू इतना ही चाहिए हमें हमें कोई पद्मश्री पदम भूषण नहीं चाहिए हमें ये चाहिए कि हमारी सोसाइटी हमारे लोग हमें समझते हैं हम उतने भी खुश हैं सिंपल लोग हैं वही <laughs> बड़े कॉम्प्लीकेटेड कम्प्लेक्स लोग नहीं है और बड़ी बात है डॉक्टर पता नहीं क्या है तो वही से तो आए नहीं है ना अगर हम लालची हुए तो क्योंकि सारी सोसाइटी लालची हो रही है तो इसलिए डॉक्टर भी हो रहा है hmm. तो, hmm. hmm. तो लोग ऐसे ही एक्सपेक्ट कर देंगे ये पता नहीं दूसरे प्लानिट से उठ के आया है तो इसको तो पूरा वैसा ही होना चाहिए hmm. हम तो चाहे जो मर्जी कर लें exactly. हम हम चाहे जो भी है लेकिन ये ठीक रहना चाहिए चाहिएबल hmm. तो hmm. आपको भी मॉरल वैल्यूज उतनी ही रखनी है जितनी आप एक्सपेक्ट हो तो ये थोड़ा सा हो रहता है और यही चीजें जो बताई जाती हैं ऐसा नहीं है और आई uh, थिंक uh, uh, बहुत ही uh, एक टफ uh, लाइफ में भी हम हंसने का और उसका जोक्स सीरियस माहौल में भी चलते हैं तो uh, उसी से फिर हम ये काम कर पाते हैं क्योंकि ऐसे ही हम नेगेटिव होना शुरू हो जाए और नेगेटिविटी को डील भी कर रहे हैं तो वो फिर स्ट्रेस इतना हो जाता है फिर आप नहीं कर पाते स्ट्रेस ऐसे जो प्रोजेक्शन है ये बहुत uh, उल्टी है hmm. लेकिन आप uh, कभी किसी को अगर डॉक्टर को अच्छे नाम तो वेरी विक्टी hmm. वेरी आर्टिकुलेट लोग होते हैं कई बहुत सेंसिटिव भी होते हैं और बहुत टैलेंटेड hmm. बहुत टैलेंटेड लोग सर अब थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन uh, मैंने जब क्वेश्चन uh, देख रही थी ना uh, पूछने के लिए तो मैंने अपनी टीम मेम्बर से पूछा था कि क्या पूछ सकते हैं उनका क्वेश्चन uh, था कि डॉक्टर्स की राइटिंग समझ क्यों नहीं आती है उसकी <laughs> राइटिंग नहीं वो है मैं मैं आ, अपना बताता हूँ कि <laughs> मैं पूरी कोशिश कर दू ये फॉर्मटन बन से लिखा

बात भी करनी होती है आपको एक कंसल्टेशन दे रहे हो कोशिश हमारी ये होती है है ना और मिनिमम टाइम हम लिखने में लगाना चाहते हैं क्वेश्चन देते है भाई तू डॉक्टर दिख रही दिखा तो है, नहीं है कि नहीं है तो बड़ी बार आता है की किसी की प्रसिटी फोटो डाली होती है वो नीचे गए होते दिख रही दिखा केजरीवाल से वेरीफाई करा ले जी ये है एक्चुअली लेकिन ये डिजिटल हेल्थ के साथ साथ ये शायद हो जाएगी ओके ओके आई से इज इट ट्रू कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे नहीं नहीं ऐसा नहीं झूठ बोल रहे हैं हां एप्पल अ डे या एप्पल वेस ने वाले की मत कि हमारे से देख जाने हम hmm. मैं देख तो फिर डॉक्टर एप्पल खाए हम मैं कमांड फैमिली वाले तो दूर-दूर से बाकी yeah. नहीं मैं है हेल्दी रहना इसका ये मैसेज है कि आई थिंक दिस इज एटल मैसेज कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना यू है इज नॉट एब्सेंस ऑफ डिजीज हेल्दी इज ए पॉजिटिव थिंग एंड बड़ी बार अब लेक्चर देना शुरू हो गया दिस इज फिजिकल मेंटल सोशल स्परिचुअल वेलबींग दिस इज अ स्टेट ऑफ physical, mental, social, spiritual well-being and not just uh, absence of disease. Mm. तो हम भी यही चाहते हैं कि हम थोड़ा आराम कर लें लोग हेल्दी रहें इसके लिए हमारी बड़ी कोशिश होती है तो यू शुड अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल वेट न बढ़ने दें और सीधा खाना बंद करें आ, स्मोकिंग से दूर रहें योगा प्राणायाम करें ठीक है तो आ, दिस इज द मैसेज कि दीप से डॉक्टर की, अवे तो एप्पल ही है ये जो हेल्दी तो आप रोज प्राणायाम योगा करेंगे हेल्दी डाइट खाएंगे डॉक्टर से दूर रहेंगे <laughs> ये है कि हाँ वो गाने वाने सुनने तो आ सकते सर <laughs> आपने अभी स्टार्टिंग में भी बोला था इवन हमने भी ये महसूस किया है क्योंकि जब भी हम ओपन माइक्स करते हैं तो हमारे जैसे आपने बोला जी एम सी साथ में तो वहाँ के बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो जब भी उनको फ्री टाइम संडे को ओपन माइक्स में मिलता है तो वो आते हैं वो गाना गाते हैं पोइट्री करते हैं आप बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है और बहुत टैलेंटेड भी हैं So, जाते जाते आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं इसमें इस इस एक तो, जो एक्स्ट्रा जो मेडिकल से बाहर तो मैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में बहुत इंटरेस्टेड फ्रॉम माई चाइल्डहुड अखबार में छोटे होते हुए पढ़ता था तो उसके फर्स्ट uh, uh, जो लेटर टू एडिटर में आया था मेरा

एंड ऑल देट उसमें में मेरी कोशिश रहती है लोग इसमें कर भी रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना है तो ये एक रहता है बाकी सिंगिंग का था बचपन में सिंगिंग स्कूल में गाने गाता था मैं तो क्लास क्लास में बुलाया जाता था गाने गाने के लिए एक वर्कअप गाना गाते सुनो फिर मेडिकल कॉलेज में आए तो छूट गया वो गाना इसी मैं हॉस्टल में गाते थे हॉस्टल में मेरा रूम होता था तो ट्वेंटी फोर इंटू सेवन और किसी के रूम में जाने बैठते तो मेरा रूम होता था तो तब तो कैसेट्स होती थी मेरे उसमें बहुत mm. कैसेट्स होती थी फिर वो, वो, वो... एक टाइम आया कि मेरी अपनी पता नहीं कहाँ थी किसी किसी की इकट्ठी हो गई थी वो वहाँ ढूंढती रहती हैं वहाँ चलता रहता है गजलें ये वो है है। तो वो आ, करते रहते फिर तो गाना कुछ छूट गया उस दौरान ना फिर क्या हुआ कि ये अभी जो अब आ गया है एप्स वगैरह ना टू थाउजेंड फिफ्टीन में एक स्म्यूल ऐप आई उसमें वो बैकग्राउंड तो मुझे है तो मतलब एक कम थ्रू कि ट्रैक के साथ गाना hmm. तो वो फिर आई मैंने एप पे गाना शुरू किया hmm. और फिर मैं उनको जैसे भी दे वो जैसे भी पैशन खाने की hmm. शौक सीखने का मौका नहीं मिला hmm. वो इतना टाइम भी नहीं मिला कभी अभी भी मुझे मन में है कि जो सिखाया तो वो सीखूँ उन्होंने hmm. हारमोनियम लाके भी रखा है वो पड़ा हुआ घर पे स्पीकर तो वो मैंने फिर गाना वाना शुरू किया आई सिंगिंग तो मैं कभी कभी गा उसके बैकग्राउंड के साथ साथ तो मेडिकोज मोस्टली बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं हमारा कभी जीएमसी में कभी जाने का मौका मिले वो कल्चरल प्रोग्राम कभी जाइए बहुत अच्छे सिंगर एक्टर्स मिलेंगे गाते हैं एक्टिंग करते हैं बहुत टैलेंट है डिस्पाइट इसमें डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पढ़ने के बावजूद देरी वेल्थ बहुत अच्छा बेल्थ है सर जाते जाते आप के हिसाब से हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है हमसे तो ज़्यादा ही काम किया है आपने हर पार्ट ऑफ लाइफ देखा है तो उसके हिसाब से आपके पास कोई मैसेज हमारे लिए नहीं, आपके लिए तो एक तो पहला ये है कि जो आपकी जनरेशन है वेरी कॉन्फिडेंस जनरेशन एक ब्राइट फ्यूचर में कंट्री का आप लोगों में देखता हूँ टुडेज एरा ऑफ डिजिटल एरा जिसको हम बोलेंगे इंटरनेट का एरा है और ये बहुत बड़ी एक पावर है आज आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो हमारे बचपन में हम ये तो दूरदर्शन पे ही देखते थे हुँ. कभी सोचते नहीं थे कि हम भी कभी बैठ के इस तरह का इंटरव्यू करेंगे उस टाइम प्लेटफॉर्म्स में लिमिटेड थे आ, कुछ एक्सप्रेस करना तो वही वैगार टू एडिटर आ गया तो आपका छप गया तो आप उसी में खुश हो जाएंगे वो टाइम था रेडियो का टाइम कि आपके कोई चिट्ठी चली गई तो वो पढ़ ली रेडियो वो हमारे बचपन रहे मैं बता रहा हूँ तो आज की डेट में वो सब अपॉर्चुनिटीज जो बहुत लिमिटेड होती थी अब इंटरनेट और ये सोशल मीडिया ने को ओपन अप कर दिया हम हम सबको एम्पावर कर दिया लेकिन वही है कि हर चीज़ के हमें फायदे नुकसान इसको आप इसमें इंडल्ज हो जाएं ओवर इंडल्ज हो जाए दूसरी तरफ नेगेटिव साइड जाना शुरू कर दें तो उसके बजाय आप इसको यूटिलाइज भी करते हो तो जैसे आप इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर रहे हो एंड आपकी रीच है hmm. आप अलग अलग फील्ड के लोगों को बुला के उनको बुला के मैसेज सोसाइटी में कन्वे करो तो ये ये एक बहुत एक मैं कह रहा हूँ कि एक फॉर्चुनेट चीज़ है आपकी जनरेशन के लिए हमारे लिए भी खैर अभी हम मेरी गैफेल हो गए तो हमारी भी अभी है तो so, लेकिन जो अभी यंगस्टर्स हैं जिनको आते हैं क्योंकि हमें तो अब सीखा अभी यह टाइप वर्क कैसे करना है तो कैसे तो चलाना है तो अगली जनरेशन बहुत तेज़ है कोडिंग ये वो हमें तो भी पता भी ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी लेकिन mm. ह्यूमेनिटी को जिंदा रखना है जितना मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए जितना मर्जी कुछ भी आ जाए क्यों ना वो रोबोट्स आपके साथ बैठ जाए आपके साथ पॉडकास्ट करें लेकिन मैं ह्यूमेनिटी को जिंदा रखना है इंसानियत को ज़िंदा रखना है और आपने अगर अपनी इंटेंशन साफ आप रखेंगे आपके मन में मैं एक गांव से जर्नी स्टार्ट की वन शेयर किया जैसे तो बचपन में नहीं था मुझे कि कभी डॉक्टर बनूंगा और कभी जॉइंट रिप्लेसमेंट करूँगा तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आई हैं मुझे अभी याद है जब या में होता था मैं तो मदर मुझे पूछते थे क्या बनना है तूने कबल कहते बस में जाते थे हम मानपुर से बसोली ना mm. तो बस में मैंने छोटा सा ऑब्जर्व करना थी ये जो कंडक्टर है ना बस का ये सीटी बजाता है बस रुक जाती कि <laughs> है कितनी बुरी चीज है तो क्या बनना वे? मैंने कंडक्टर बनना बस रुक जाती है बोलते नहीं नहीं ड्राइवर ज्यादा अच्छा होता है तो जस्ट जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको अपने ड्रीम्स भी मिलेंगी आप अपने पाथ पे एक एक साफ इंटेंशन लेके, गोल लेके एक अच्छा सोच लेके अगर आप चलेंगे तो मैं वही कहता हूँ कि एक एक पावर है जो तो इस दुनिया को चलाती है जो आपकी हेल्प करेगी जो आपको वहाँ पहुंचाएगी जो आपने सोचा होगा तो सपने जरूर देखें लेकिन इंसानियत को जिंदा रखें अपना जो आपका कल्चर है और जो हमारा देश है हमारा जो इसकी जो पुराने अगर आप देखें जो भी किसी भी फील्ड में आर्ट हो गया स्पिरिचुअलिटी हो गई तो हम बहुत अमीर हैं हमें कोई वेस्ट की नकल करने की जरूरत नहीं है हम इतना दे सकते हैं अगर हम अपने आप को जाने हम अपने पास्ट को देख के उसमें से चीज़ें निकाल के दुनिया को देना शुरू करें जैसे स्वामी विवेकानंद ने किया hmm. तो हमारे पास बहुत कुछ है hmm. देने को तो मैं यही चाहता हूँ hmm. एक, एक दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाए hmm. वी आर गेयर फॉर फ्यूर्स है ना hmm. जैसे भगवत गीता में भी लिखा है कि जो जन्म से पहले हम अदृश्य थे hmm. और मानने के बाद भी हम अदृश्य हो जाएंगे

Platform और आज मैं भी इसका बना पॉडकास्ट वी है बहुत सी नई नई बातें हमें पता चली हैं मेडिकल प्रोफेशन को लेकर डॉक्टर्स को लेकर मेडिकल इमरजेंसीज को लेकर अगर आप इस एपिसोड के एंड तक बने रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड Give your feedback also and we'll see you in the next one.